रूप से घायल हुए विकेट कीपर बल्लेबाज, इनकी क्रिकेट टीम में वापसी कब होनी है कोई नहीं जानता है। उनकी फिटनेस और उनकी वापसी के ऊपर तरह तरह के बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत की वापसी में काफी टाइम लग सकता है। मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान ऋषभ पंत अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर जारी न सिर्फ अपने तमाम फैंस और अपने चाहने वालों को ये दुआएं और शुक्रिया अदा की है, बल्कि बीसीसीआई और सरकार दोनों को अपनी मदद के लिए थैंक यू किया है। इस तस्वीर के साथ ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के साथ ऋषभ पंत ने एक भावुक मैसेज लिखा है। पंत ने अपने मैसेज में लिखा है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को धन्यवाद नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं इन दोनों हीरोज को जरूर धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी दुर्घटना के दौरान मेरी जान बचाने में मदद की और अस्पताल ले गया। इनका नाम रजत कुमार और निशु कुमार, धन्यवाद। मैं आपको हमेशा भारी रहूंगा। हालांकि ऋषभ पंत अपनी खुद की पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली है, लेकिन लगातार अपने चाहने वालों के संदेश ऋषभ पंत जरूर दे रहे हैं। यह सब देखकर धीरे धीरे साफ हो रहा है कि ऋषभ पंत मैदान में वापसी के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है। ऋषभ पंत ने अपने पहला ट्वीट में बताया कि उनका सर्जरी आप लोग की आशीर्वाद से एकदम अच्छे से हो गया और रिकवरी शुरू हो गई है और वह भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार हैं। आप सभी टीम मेंबर और बीसीसीआई के साथ साथ जय साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ उन्होंने यह ट्वीट करके हम लोग को बताया। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, जब ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं तो वो जल्द से जल्द रिकवर भी हो सकते हैं? सभी लोग का यह मानना है, आप लोग का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।